हेलो दोस्तों, मैं हूँ मंदा। मंदा डायरी में आपका स्वागत है। आज हम टिप्स एंड ट्रिक्स के क्लास में सीखेंगे कि टमाटर को कैसे जल्दी पकाया जाता है, हरी मिर्ची को स्टोर कैसे करके रखें। दो टमाटर लेना है और टमाटर को बारीक बारीक पीसेस में काटना है। हमारे टमाटर बारीक बारीक पीसेस में काट के हो चुके हैं। अब हम इसे झटपट पकाना सिखाएंगे। गैस ऑन करना है और कढ़ाई रखना है। एक चम्मच तेल डालना है। इसी तरह आपको चम्मच से तेल को पूरे कढ़ाई में फैलाना है। इस तरह तेल फैलाने से सब्जी कभी भी कढ़ाई में चिपकती नहीं है। यह भी टिप्स आप ध्यान में रखिए। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे और स्वादानुसार नमक डाल के अच्छे से मिक्स करना है। टमाटर में नमक डालने से टमाटर जल्दी नरम होते हैं और जल्दी पकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि टमाटर कड़क होते हैं तो जल्दी पकते नहीं हैं, तो टमाटर में आप थोड़ा नमक डाल के जल्दी टमाटर को पका सकते हो। कभी भी आपको टमाटर की चटनी बनाना हो तो इसी तरह आप टमाटर में थोड़ा नमक डाल के झटपट चटनी बना सकते हो। तो देखिए, हमारे टमाटर झटपट पक के तैयार हो चुके हैं। इसी तरह आप टमाटर को पका सकते हो। अगले टिप से हम जानेंगे कि हरी मिर्ची को स्टोर कैसे करके रखें ताकि हरी मिर्ची लाल ना पड़े। सबसे पहले आपको हरी मिर्ची लेना है और सभी हरी मिर्ची की डंठल आपको निकालना है। यह देखिए, इसी तरह आपको हरी मिर्ची की डंठल निकाल के रखना है। हमारी सभी हरी मिर्ची की डंठल निकाल के हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लास्टिक के डिब्बे में स्टोर करके रखेंगे। एक प्लास्टिक का डिब्बा लेना है और डिब्बे में सभी हरी मिर्ची डालकर ऊपर से ढक्कन ढकना है। आप इसी तरह रखोगे तो हरी मिर्ची 15 दिन तक लाल नहीं पड़ेगी। कभी भी आपके घर में ज़्यादा हरी मिर्ची हो तो इसी तरह आप स्टोर करके रख सकते हो। कमेंट करके जरूर बताएं कि यह टिप्स आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो में। मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, मंदा डायरी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन ऑल पर करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी के वीडियो आपको तुरंत मिले। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि जब भी कोई नई रेसिपी रिलीज हो तो सबसे पहले आपको मिले।